और यहाँ पर अंदर वी एडेड अ ग्लास शेल, एक्चुअली उसके थोड़ा सा बाहर आता है एज इट इज अ वेरी लीनियर किचन. फर्स्ट ड्रॉअर है दिस कटलरी, तो ये जो है क्रॉकरी में छोटा सा ये प्रोजेक्शन आप देखोगे, तो इसके लिए रोलिंग शटर दिया. चिमनी में ये जो उनका ट्रे है, क्या कहेंगे इसको, कब्बशा का ड्रॉवर. वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. एंड में दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, अभी हम इस तरीके का डिटेल करते हैं. तो यहाँ पर इफ यू सी हमने, हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आर्टिस्ट बाय निहारा में आप सबका स्वागत है. और आज का वीडियो काफी स्पेशल है, जैसे आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, दिस इज गोइंग टू बी अ किचन डेडिकेटेड वीडियो. और इस सीरीज में इसके आगे जितने भी एपिसोड्स आपने देखे होंगे, तो उसमें ऑब्वियसली प्लानिंग का जो वीडियो था तब भी स्पोक अबाउट किचन प्लानिंग एंड किचन पोजिशनिंग लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एंटायर स्पेस. बट बाकी के एपिसोड्स में हमने किचन की बात नहीं की है, तो आज के वीडियो में हम क्या क्या करेंगे. विल टॉक अबाउट द किचन प्लानिंग ब्रीफली, देन किचन मटेरियल पैलेट, कलर पैलेट, जो भी हमने फिटिंग्स वगैरह यूज किए उसकी बात करेंगे. मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. एंड में दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आने वाली है. तो एक जो है बहुत लोग पूछते हैं हमेशा उसके बारे में है, इट इज अबाउट द हॉब. सेकेंड और एक टिप है जो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के बारे में फ्रिज के. और थर्ड इसके एंड में हम एस्टिमेशन डिस्कस करेंगे. तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं एंड तक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड या लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. सो दिस इज द एंट्रेंस. और यहाँ से अंदर आने के बाद इस साइड में डाइनिंग है, मेरे एग्जैक्टली सामने लिविंग रूम का पूरा सीटिंग है. और दिस इज द किचन एंट्रेंस. नाउ किचन के इस साइड में आप देख सकते हैं क्रॉकरी यूनिट प्लांट है, और इसके एग्जैक्टली पीछे वहाँ से जहां पे कॉमन वॉशरूम है, यहां पे यूटिलिटीज प्लान्ड है. सो ऑल दैट इफ यू हैवंट सीन द प्लानिंग वाला वीडियो, लिविंग रूम वाला, यहां पर हम एक आई बटन ऐड कर देंगे, उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन सी दैट एंटायर वीडियो. वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. सो राइट एट द एंट्रेंस एज यू कैन सी, इस साइड में तो क्रॉकरी यूनिट है, और इस साइड में ये जो है ये एक्चुअली वॉल नहीं है. यहां पर हमने एक पार्टीशन खड़ी की, और पार्टीशन के ऊपर एक साइड से लैमिनेट से उसको फिनिश किया है. और जो आपका स्विच बोर्ड वगैरह है, पार्टीशन की थिकनेस इतनी है कि स्विच बोर्ड की आपकी जो भी विड्थ होती है, जो बॉक्स होता है, उसमें अच्छे से फिट हो जाता है. नाउ इसके अंदर के साइड से यहाँ पर हमने क्या किया, एक जिप्सम शीट ऐड की है, और जिप्सम शीट के ऊपर आप वॉल पेंट कर सकते हो. सो देन इट डजंट लुक लाइक अ पार्टीशन. अगर आपको लैमिनेट नहीं लगाना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. लेट्स गो इनसाइड. सो यहाँ पर इस किचन के प्लानिंग में आई थिंक सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट ये था. एज यू कैन सी इट्स अ वेरी लीनियर किचन, और इसकी जो विड्थ है 6.5 फुट की विड्थ है, और लेंथ 10 फुट 10 इंच की है. नाउ इसमें जो जो चीज़ें हमें एकोमोडेट करनी थी, क्लाइंट ब्रीफ में क्लाइंट ने ये कहा था दो चीज़ों के बारे में, दे वर एक्सट्रीमली श्योर. एक तो दे वॉन्टेड अ वाइट किचन प्लेटफॉर्म, एक्चुअली वाइट विथ वेन्स या प्लेन वाइट भी उनको चलता था, बट दे वर वेरी श्योर कि उनको वाइट प्लेटफॉर्म चाहिए, और उनको एक साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर चाहिए. नाउ किचन प्लानिंग में हम हमेशा क्या करते हैं कि किचन में तीन चीज़ें होती है, जो वर्किंग जोन आपका होता है उसके, उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक तो आपका रेफ्रिजरेटर की प्लेसमेंट, फिर आपका हॉब या कुक टॉप, थर्ड आपका सिंक. तो ये तीनों चीजों की प्लेसमेंट और इसके बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म होता है जिसको वर्किंग ट्रायंगल कहते हैं, तो इन तीनों चीजों से, तीनों चीजों की प्लेसमेंट से हम किचन का प्लानिंग स्टार्ट करते हैं. नाउ एज यू कैन सी हियर, एंट्रेंस में सबसे पहले अंदर आते ही साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर हमने रखा है, और इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपरली उसमें जगह छोड़नी होती है. नाउ इन दिस केस, बिकॉज पहले से हमें पता था कि उनको ऐसा रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो प्लानिंग करते वक्त ही हमने उसके पोजिशनिंग से स्टार्ट की थी. जनरली कई बार आपने ये भी देखा होगा कि फ्रिज हम लोग टूवर्ड्स द एंड प्लेस करते हैं, बट इन दिस केस क्योंकि इसके एग्जैक्टली सामने डाइनिंग है, लिविंग रूम है, और इसकी विड्थ काफ़ी कम है, तो बिकॉज ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, हमें ऐसा लग रहा था कि अगर किसी को फ्रिज में से कुछ पानी की बॉटल भी निकालनी है, कुछ भी निकालना है अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर वर्किंग इन द किचन, किसी और को अगर फ्रिज एक्सेस करना है, तो अगर हम उसको एंड में रखेंगे तो ऑल द वे अंदर आके कुछ लेके जाना और वो एक थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, अनकंफर्टेबल या इनकन्वीनियंट हो जाएगा एवरीडे यूज़ के लिए. सेकेंड, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो जो फ्रिज की साइज़ है जितना बाहर वो आया है वॉल से, तो ये जो विंडो है, अगर विंडो का इतना पोर्शन कवर हो जाता तो हाइट, नेचुरल लाइट यहाँ पर जितना आ रहा है वो काफ़ी कट डाउन होता था. वी डेंट वॉन्ट दैट. सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, हॉप और सिंक दोनों अलग प्लेटफॉर्म पे है, बट जनरली बाकी वीडियोज़ में भी अगर आपने देखा होगा तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज़ ऑलवेज बेटर अगर आपका हॉप या कुक टॉप है और सिंक है, वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे है. बिकॉज हम इंडियन कुकिंग में खाना बनाने के बाद हम प्लेटफॉर्म धोते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कुक टॉप या हॉप क्लीन करना और पूरा पानी वो सिंक में जाता है, तो क्लीनिंग इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट. बट इन दिस केस एज यू कैन सी इट इज़ ऑन टू अदर काउंटर्स. सो वन थिंग वॉज कि फ्रिज आने के बाद जितनी काउंटर की लेंथ बैलेंस हमारे पास थी अवेलेबल,
तो उसमें अगर आप देख सकते हैं तो दोनों साइड में एक 2.5-3 फुट की जगह है, विच इज नेसेसरी अगर आप कुकिंग भी कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, तो उतना प्लेटफॉर्म आपको लगता है। अगर आप चपाती भी बना रहे हो तो उतना आपको रखने के लिए जगह लगती है। अगर हम इसी में सिंक एकोमोडेट करते थे, एक तो ये पूरा वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता था, सिंक यहाँ पे इतना आने के बाद यू कैन इमेजिन काउंटर के हॉब के दोनों साइड में 1-1.5 फुट की जगह मिलती थी, देन कुकिंग एंड क्लीनिंग वुड हैव बीन रियली इनकन्वीनियंट। फिर आपका सिंक का पानी यहाँ पे उड़ता है, वो सारे इश्यूज होते हैं। सेकेंड थिंग, ये पूरी जो बिल्डिंग है तो इसमें जब हमने काम करना स्टार्ट किया था, इवन दो द फ्लैट वॉज रॉ, बट जो सारे प्लम्बिंग के कटआउट्स होते हैं, कोर कट्स होते हैं, वो सारे इस साइड में दिए थे, बट फ्लोरिंग में उतनी जगह नहीं थी कि हम प्लम्बिंग के सारे लाइन्स घुमा के यहाँ तक ले लें। सो ये दोनों रीजन्स की वजह से इस तरीके से हमने प्लानिंग किया है। लेट्स टॉक अबाउट द किचन काउंटर। सो ये जो किचन काउंटर है, तो द क्लाइंट्स वर श्योर कि उनको वाइट काउंटर चाहिए था, बट इफ़ यू सी ये वाइट नहीं है एग्जैक्टली, दिस इज स्लाइटली ऑफ वाइट, और इसमें जो वेन्स है काफ़ी थिन वेन्स है। सो इवन दो यू सी द वेन्स बैक स्प्लैश में, आप देख सकते हैं ये जो वेन्स है कंटिन्यू होके यहाँ पर भी आए हैं। सो कंटिन्यूएशन में जो वेन्स दिखते हैं वो जो ब्यूटी है यू कैन सी दैट, बट एट द सेम टाइम द वेन्स आर नॉट टू प्रोमिनेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी डेलिकेट है, एंड वी रियली लाइक दैट। एंड बिकॉज जगह काफ़ी छोटी है तो कॉम्पैक्ट जगह में आई थिंक थिक वेन्स के जगह पे दिस लुक्स बेटर, मतलब इट्स नॉट टू मच। ये क्वार्ट्स है, कैमरोला का क्वार्ट्स है, और इस शेड का स्टोन का नाम था मारिया गोल्ड। येस, सो वी हैव यूज्ड सेम थिंग इन द बैक स्प्लैश, और इसकी जो सामने फेशिया हम दिखाते हैं, फेशिया भी अगर आप देखोगे काफ़ी स्लीक है, काफ़ी थिन है, तो वी वॉन्टेड कि ये जो ग्रेन्स है यहाँ पर भी कंटिन्यू हो, और ऑब्वियसली आप कटिंग वगैरह करते हो कुछ बाहर ना आए, बट बहुत मोटा हम उसको नहीं दिखाना चाहते थे, हम चाहते थे काफ़ी स्लीक दिखे और लंबा दिखे और पूरा किचन बहुत ज़्यादा हैवी ना दिखे। यहाँ पर अभी इस पूरे किचन में हमने सारे जो फिटिंग्स यूज़ किए हैफले के फिटिंग्स है, कई बार हम कॉम्बिनेशन में भी करते हैं, जनरली जहाँ पर एल शेप काउंटर होता है कॉर्नर के जो यूनिट्स होते हैं हैफले में, उसके जगह पे समटाइम्स वी हैव यूज्ड मोडा, बट इन दिस किचन वी हैव यूज्ड एवरीथिंग हैफले। नाउ ये जो फिनिश है यू सी पीचिश कलर है, और ये जो मटेरियल है दिस इज एक्रेलिक ग्लास, एंटी स्क्रैच एक्रेलिक ग्लास फिनिश, तो उसमें ग्लॉसीनेस भी है बट एक लैमिनेट का जो ग्लॉस इफेक्ट होता है उससे दिस इज लिटिल डिफरेंट। सो दिस ऑलमोस्ट लुक्स लाइक बैक पेंटेड ग्लास बट दिस इज नॉट ग्लास। नाउ विल ओपन ऑल द ड्रॉवर्स और कहाँ पर क्या प्लान है वो सब देख लेते हैं। टोटल जो लेंथ है उसका, बिकॉज प्लानिंग वाइज बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप लोकेशन किस तरीके से डिसाइड करते हो, सो अगर इसमें सिर्फ हॉब है तो टोटल लेंथ का हम एक सेंट, दिस इज लाइक लिटरली माई थिंकिंग प्रोसेस, बट टोटल जो लेंथ है उसका सेंटर हम निकालते हैं, एंड जो आपका हॉब का सेंटर है वहीं पर आपका चिमनी का सेंटर आता है, और उसके हिसाब से देन वी ट्राई ऑलवेज टू प्लेस थिंग्स सिमेट्रिकली, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल होती है तो दिखने में अच्छा लगता है, अगेन इफ़ योर दीज लाइन्स मैच तो देन इट लुक्स इवन बेटर, बट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपके नीचे के जो लाइन्स है वो ऊपर मैच हो, तो 19-20 रहेगा तो भी ठीक है, अगर पॉसिबल है तो मैच करोगे तो इट लुक्स बेटर। तो नीचे देख लेंगे, इसके नीचे का सबसे फर्स्ट जो ड्रॉवर है दिस इज कटलरी, सो ये जो है ये हैफले का जो स्टैंडर्ड कटलरी का इंसर्ट है, सो दिस इज बेसिकली एक्सटेंडेबल, और उनके पहले जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल थे वो 2-3 फुट में इतने ही आपको वुडन कटलरी काफ़ी स्टैंडर्ड साइज में मिलती थी, तो अगर आपकी ड्रॉवर की साइज कम ज़्यादा है तो उसमें वो एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल, तो अगर आपकी 2-3 फुट का अगर आपका ड्रॉवर है तब भी आप उसमें कटलरी इंसर्ट डाल सकते थे, बट इन दिस केस ये ना एक एक्सटेंडेबल है बिकॉज नाउ इट इज़ फुल्ली लोडेड, I can't show it. ये जो है ये एक के ऊपर इस तरीके से इसकी जो लेंथ है आप एडजस्ट कर सकते हो, तो अगर आपकी ड्रॉवर की लेंथ कम ज़्यादा भी है तो आप इसको एडजस्ट करके ये इसके अंदर ये छोटा बड़ा हो सकता है। एंड इंस्टेड ऑफ हैंडल्स वी यूज गोला प्रोफाइल्स, एक तो हैंडल्स आप लगाते हो तो थोड़े से बाहर आते हो तो आपको यूज़ करते वक्त वो पैर को वगैरह लग सकते हैं, तो जगह अगर छोटी है तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यूज़ अ प्रोफाइल। प्रोफाइल में भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर हमने गोला प्रोफाइल यूज़ किया है, सो एक तो आपका फर्स्ट जो लाइन ऑफ ड्रॉवर है उसके ऊपर आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का गोला प्रोफाइल है, और सेकंड आपका जो लगता है तो यहाँ पर इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में दूसरा लगता है, सो इससे आप ये वाला भी खोल सकते हो और आप ये वाला भी खोल सकते हो। एक जो फर्स्ट आपका लगता है लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूस लगेगा, तो सब आप यहाँ से खोल सकते हो, वेदर इट इज़ अ शटर और इट इज़ अ ड्रॉवर, तो आप इस तरीके से खोल सकते हो, सेकेंड आप यहाँ से खोल सकते हो और थर्ड आप सेम गैप में से यहाँ से खोल सकते हो। सो फर्स्ट जो हमने देख लिया वो कटलरी था, कटलरी के बाद सेकंड अगर आप देखोगे तो ये एक नॉर्मल क्या कहेंगे इसको कब्बशा का ड्रॉवर
सो जनरली कटलरी के नीचे हम एक क्वार्टर प्लेट्स या कप एंड सॉसर वाला इंसर्ट उसमें डाल देते हैं, बट इन दिस केस इफ यू सी हमने इसको पूरा ही प्लेन रखा है, कुछ इंसर्ट्स नहीं डाले. तो इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप उसको ओवर कंपार्टमेंटलाइज चीज़ों को करते हो तो आपको उसमें चीज़ें रखना कई बार मुश्किल हो जाता है. तो इन दिस केस व्हाट वी हैव डन इज उसको हमने खुला ही रखा है. तो आप भी अगर हैफले के इंसर्ट्स भी आपको कुछ अच्छे लगते हैं या जो एक स्टेनलेस स्टील के इंसर्ट्स हम डालते हैं जैसे हमने नीचे थाली वाला डाला है, तो उस तरीके से इंसर्ट जो है आप बाद में भी ऐड कर सकते हो. तो पहले आप किचन इस तरीके से सेट करके वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट देन इफ यू फील कि इट इज़ नीडेड देन यू कैन ऑब्वियसली कंपार्टमेंटलाइज, बट पहले से करोगे तो समटाइम्स इट्स लिटिल डिफिकल्ट. सो नीचे जो मैट है एंटी स्लिप मैट है तो उससे आप कप्स वगैरह फ्री भी रखोगे तो बिकॉज ऑफ उसका जो होल्ड होता है आपकी चीज़ें अंदर हिलती नहीं है. और थर्ड वाला ओपन करते हैं तो ये जो है ये एक्चुअली एक फ्री इंसर्ट है. तो पहले जैसे स्टील वाले बास्केट्स में उसके साथ ही एक इंटीग्रेटेड वो जाली आती जिसमें आप प्लेट्स रखते हो रखते थे. नाउ हैफले में क्या होता है ना, हैफले में प्लेट्स का एक उनका जो इंसर्ट है वो इस तरीके से है जिसको आप उठा के एक के अंदर एक प्लेट्स रखते हो, बट हमें जिस तरीके से इंडियन स्टाइल में प्लेट्स रखने की आदत है साइड बाय साइड, तो उसमें आप जो क्योंकि हमारे पास प्लेट्स भी बहुत डिफरेंट साइज़ की होती है तो इट्स बेटर कि आप इस तरीके का एक इंसर्ट उसमें प्लेस कर लो. तो फिर कोई भी साइज़ की प्लेट आपको रखनी आप आसानी से रख सकते हो. तो इस तरीके के दो इंसर्ट्स यहाँ पे है. इट इज़ लोडेड बट जैसे आप देख सकते हैं दिस इज़ फ्री. तो अगर आपको ये निकाल के भी रखना है बाद में भी ऐड करना है तो यू कैन डू दैट. नाउ लेट्स सी दिस साइड. इसमें हमने क्या किया, इसको हमने खाली ही रखा है. एज ए सेड आपको जो भी इसमें मसाले का डब्बा रखना है, जो भी बेलन वगैरह रखना है वो आप रख सकते हो. तो दिस यू कैन डिसाइड वॉट एवर दैट यू आर यूज टू. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि जब नए किचन को डिज़ाइन किया जाता है बिकॉज यू आर यूज टू कीपिंग सर्टन थिंग्स समवेयर, हर एक को आदत होती है कहाँ पर क्या रखना है. तो जितना फ्री रखोगे और जितनी आपकी जो भी हैबिट्स है उसके हिसाब से आप रखोगे तो आपको यूज़ करना काफ़ी आसान होता है. नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विकर बास्केट. सो नाउ ये जो विकर बास्केट है बहुत बार आपने देखा होगा कि विकर बास्केट जो भी स्टैंडर्ड साइज़ में आती है खुली फुल ओपन विकर बास्केट होती है, तो उसमें आपको जो भी रखना है आलू प्याज जो भी रखना है तो उसके लिए एक ही वो मिक्स हो जाता है. तो नाउ डेज यू ऑल्सो गेट विकर बास्केट्स विद अ डिविजन और आप कस्टमाइज करके भी ले सकते हो. तो आपके घर में जितनी जगह है उसके हिसाब से यू कैन गेट इट कस्टमाइज. लास्ट वाले आपकी जो ट्रॉली है हाइट, इसमें आपको ज़्यादा हाइट मिलती है तो आपको बड़े डब्बे रखने हैं या कढ़ाई वगैरह बर्तन कुछ भी बड़े बड़े रखने हैं वो सब आप रख सकते हो. और इसमें क्योंकि इसकी हाइट बड़ी होती है यहाँ पर इफ़ यू सी ये रॉड आता है तो आपकी जो भी चीज़ है उसमें से बाहर नहीं गिरती है. ये दिस इज़ स्टैंडर्ड, ये हैफले की सारी चीज़ों में आएगा. कुछ कुछ चीज़ों में रॉड आता है, कुछ कुछ चीज़ों में ग्लास होती है. तो डिपेंड्स आप क्या सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से यू विल सी द एंड डिटेल चेंज इन. नाउ विल सी द लास्ट पार्ट. तो इसमें क्या है ना, इफ़ यू सी ये एक शटर है और क्योंकि यहाँ पे पाइप गैस का कनेक्शन अभी तक हुआ नहीं है तो इसके लिए भी इसके अंदर हमने एक्चुअली दो ट्रॉलीज और शटर्स बना के लिए हैं. बट फिलहाल जब तक वो कनेक्शन नहीं आता तब तक हमने उसको अंदर से खुला रखा है और सिलेंडर यहाँ पे प्लेस किया है. एंड इफ़ यू सी ये भी जो है इसके हिंजेस सॉफ्ट क्लोजिंग है तो अगर आप एक जगह से छोड़ दोगे तो वैसे ही नहीं रहेगा, बंद रहेगा. नाउ ये भी जो चैनल्स है जैसे हैफले के स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग वाले हैं. और ये चीज़ें हमेशा की तरह हम नीचे थोड़ा सा एक स्कर्टिंग छोड़ते हैं तो जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हो आप खोलोगे तो डायरेक्टली आपके पैर के ऊपर ड्रॉवर नहीं आएगा. तो यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो हम ये जो हाइट है ये 2 फुट या 2.25 रखते हैं और ऊपर का जो स्टोरेज होता है वो भी हम 2 फुट रखते हैं. बट इन दिस केस इफ़ यू सी ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है. सो ऊपर का जो प्रोफाइल आप देख सकते हैं ब्लैक में, अब वो वी हैव अलाइंड इट विथ विंडो का जो लिंटल है, लिंटल इज विंडो का ऊपर का जो बीम है, वो उस लेवल पे हमने अलाइन किया है क्योंकि ये हाइट बहुत ज़्यादा थी और हम चाहते थे कि अगर हम उसको मैच करेंगे तो एक तो दिखने में और बेटर लगेगा. तो इसके लिए भी डिसाइडेड ये जो है ये लेंथ हम बढ़ा देंगे. तो जनरली आपका जो ओवरहेड ये वाला स्टोरेज होता है वो पूरा एक्सेसिबल होता है, बट विथ माय हाइट और जो भी एवरेज जो विद द क्लाइंट्स हाइट दिस इज़ द ओनली एरिया विच इज़ एक्सेसिबल, दिस एंड दिस. इफ़ यू सी ये जो है प्रोफाइल शटर है और लिफ्टअप है. नाउ इसमें ये जो ग्लास है दिस इज़ ब्राउन टिंटेड ग्लास और इनिशियली हमने सोचा था कि ब्लैक प्रोफाइल को हमने ब्लैक फिनिश किया, उसी तरीके से ये जो ग्लास है हम इसको ब्लैक टिंटेड ग्लास रखेंगे. अंदर का लाइट जब ऑन रहेगा तो ब्लैक टिंटेड ग्लास लुक समथिंग लाइक दिस, बट जब अंदर का लाइट आप बंद रखते हो तो इट लुक्स ऑलमोस्ट ओपेक. और फिर हमें लग रहा था किचन के साइज़ के हिसाब से वो बहुत ब्लैक ब्लैक ऐसे पैचेस दिखेंगे तो इट वोंट लुक दैट गुड. इसके लिए भी डिसाइडेड कि हम इसको ब्राउन टिंटेड ग्लास लेंगे. और बाकी अगर आप देखोगे तो ऑल द अप्लायंसेस गोला प्रोफाइल एवरीथिंग इज़ ब्लैक. सो वाइट काउंटर पीच वाले शटर्स और एवरीथिंग ब्लैक, दैट्स द कलर पैलेट. ये जैसे मैंने कहा नाउ दिस पोर्शन इज एक्सेसिबल और इसके ऊपर का जो है फॉर माय हाइट एंड जनरल क्लाइंट हाइट तो दिस वाज नॉट एक्सेसिबल. सो ये पूरा आपका डेड स्टोरेज में आता है, बट लैडर की प्रोविजन हमने की है तो जो आपको नहीं लगने वाली चीज़ें आप पूरा ऊपर रख सकते हो एंड ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ लैडर यू कैन एक्सेस इट.
और यहाँ पर अंदर वी एडेड अ ग्लास शेल्फ जस्ट टू मैक्सिमाइज द स्टोरेज. तो आपका ये जो फिटिंग है उसके हिसाब से आप ग्लास एकदम बाहर तक नहीं ले सकते, बट इन केस ऑफ एनी फिटिंग आपको थोड़ी जगह छोड़नी पड़ती है. तो थोड़ी पीछे आपने ग्लास लगे तो सामने इफ़ यू वॉन्ट टू कीप समथिंग विच इज लिटिल टॉलर दैट यू कैन कीप, और बाकी तो आपके हिसाब से आप जगह यूटिलाइज कर सकते हो. यहाँ पर देव अरेंज स्टफ रियली नाइसली. तो अगेन ये और ये जैसे मैंने कहा, यहाँ पर बिकॉज डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है तो आप टू लेयर्स ऑफ जो भी आपको रखने हैं बर्तन टू लेयर ऑफ डब्बा या कंटेनर्स, टू लेयर्स ऑफ कंटेनर्स आप इसमें रख सकते हो. एंड ऑब्वियसली ग्लास तो आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं आपको जो भी चाहिए वो. तो बिटवीन द टू ग्लास शटर्स आप यहाँ पे चिमनी देख सकते हैं, एंड ये इसके जो सारे कंट्रोल्स हैं ग्लास के ऊपर हैं. और ये जो है सो चिमनी में ये जो उनका ट्रे है, यहाँ पर बेसिकली आपका ये ट्रे आपको क्लीन करना है और जो भी ऑयल जो भी होता है इसमें जमा होता है. बट यू कैन सी दिस इज क्वाइट क्लीन दिस केस, बट इस तरीके से आप उसको इजीली लगा सकते हैं. और सारे जो उसके कंट्रोल्स हैं यहाँ पर है. सो विल ट्राई दिस. सो ये आपका चालू हो गया, इसमें लाइट यस. सो इस तरीके से आप उसका स्पीड कम. ओके सो यहाँ पर आपको दिस इज टर्निंग आउट टू बी चिमनी रिव्यू, बट यहाँ पर आप इसके ये जो कंट्रोल्स है ये आप देख सकते हैं. आप इस तरीके से उसका जो क्या कहेंगे स्पीड बढ़ा सकते हो, इस तरीके से कम कर सकते हो. अब हम इसको बंद करेंगे. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वार्ट्स के ब्यूटीफुल वेन्स दिख रहे हैं, एंड हॉब के एग्जैक्टली नीचे यू सी यहाँ पर भी हमने क्वार्ट्स की एक स्ट्रिप यूज़ की है. सो ये क्यों किया है? तो कुकटॉप के कंपैरिजन में हॉब हमें अच्छा लगता है बिकॉज एक तो काउंटर को फ्लश दिखता है ऑलमोस्ट, और जो ट्रेडिशनल कुकटॉप्स है उसको स्टैंड होता है जिसकी वजह से थोड़े से बल्की दिखते हैं. ये बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्लीक और काउंटर को फ्लश होता है, काउंटर कट करके आप इसको प्लेस करते हो तो दिखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखता है. और उसका जो कटआउट होता है उसके साइड में इफ़ यू हैव ऑब्जर्व वहाँ पर एक गैस्केट होता है जिसकी वजह से वेन यू क्लीन द काउंटर तो यहाँ से जो भी खाना होता है, खाने के पार्टिकल्स होते हैं या पानी होता है नीचे नहीं जाता. तो बहुत लोगों को ये सवाल होता है इसको फिट कैसे करते हैं. तो नीचे के काउंटर में आप पूरा कटआउट जैसे कि एक विंडो निकालते हो सिंक के लिए जैसे करते हैं वैसे ही कटआउट करते हैं, बट उसके साइड में विंडो में जैसे गैस्केट होता है वैसे गैस्केट होता है जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट है पूरा सील्ड हो जाता है. और वैसे ही हॉब्स हमने भी इनिशियली लगाए हैं, बट व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जब रेगुलरली उसको क्लीन करते हो, वाइप करते हो, यूज़ करते हो, तो इनिशियली जो गैस्केट है उसका जो भी ग्लू होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा पानी का लीकेज वगैरह ये इशूज़ आपको हो सकते हैं, और जिसकी वजह से एक तो आपका भी खराब होता है और नीचे जो भी आपका फर्स्ट जो ट्रॉली रहेगी तो वो भी खराब होती है पानी ड्रिप होने के वजह से. तो अभी हम इस तरीके का डिटेल करते हैं. तो यहाँ पर इफ़ यू सी हमने क्वार्ट्स का ही छोटा सा एक प्लेटफॉर्म जैसे बनाया है और चारों साइड में इसके बनाया है जिसके ऊपर हमने इस हॉप को फिट किया है. सो एक्चुअली इट लुक्स लाइक इट इज़ फ्लश्ड और दिखने में वैसे ही दिखता है, बट एक माइनर जो उसको हमने रेज किया है जिसके वजह से यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स है, थोड़ा सा पानी है, आप साफ करते हो, कुछ भी नीचे नहीं जाता है और आपका जो गैस्केट है उसकी लाइफ और बढ़ती है. तो अगर आप को ऐसे लग रहा है कि आप हॉब लेना चाहते हो बट यू माइट हैव हर्ड दीज एक्सपीरियंसेस कि ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं, तो भी इफ़ यू डू दिस डिटेलिंग वेरी सिंपल डिटेल लुक्स रियली नीट एंड क्लीन, बट आप इजीली हॉब यूज कर पाओगे विदाउट एनी झंझट. सो चिमनी एंड हॉब दोनों एलिका के हैं. नाउ दैट वी हैव सीन द फ्रंट काउंटर बैक काउंटर देख लेते हैं. सो यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था सारे जो अप्लायंसेस है जो आपका डिश वॉशर है और ओवन है सब कुछ यहाँ पर हमने प्लेस किया है. नाउ इन दिस केस फ्रंट काउंटर जो था स्टैंडर्ड हम 2 फुट का जो काउंटर लेते हैं वैसा है, बट यहाँ पर बैक काउंटर अगर आप क्योंकि इसकी जो विड्थ है ये कम है, 21 इंच का काउंटर है और सिंक जो है दिस इज अराउंड 16x24 inches का ये सिंक है. और जो इसकी प्लेसमेंट है डिशवॉशर की प्लेसमेंट है तो ये भी हमने डिसाइड किया था प्लानिंग में कि डिशवॉशर विल कीप इट टुवर्ड्स द एंड, तो विंडो के पास में रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 24 इंच के काउंटर में डिशवॉशर डालते हो तो वो अच्छे से फिट हो जाता है, ज़्यादा बाहर प्रोट्रूड नहीं होता, बट इन दिस केस क्योंकि ये काउंटर थोड़ा छोटा है यू कैन सी अ बिट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द डिशवॉशर. नाउ इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली 3-4 inch का प्रोजेक्शन होता था, तो हमने क्या किया इसके पीछे एग्जैक्टली कॉमन वॉशरूम है. और जब हमने इस फ्लैट का इंटीरियर स्टार्ट किया था एज आई सेड द फ्लैट वॉज इन अ रॉ स्टेट और हमने सारा फ्लोरिंग और वॉशरूम्स में टाइलिंग सब कुछ किया है, तो इसके एग्जैक्टली पीछे की जो वॉल थी उसको हमने चिप ऑफ करके थोड़ा सा भी क्रिएटेड अ निश बिहाइंड सो दैट वी कुड
पुश द डिशवॉशर लिटिल बिहाइंड और उसको हमने पीछे मार्बल पार्टीशन खड़ी करके उसके ऊपर टाइल्स लगा दिए. नाउ यू नो जहाँ पर भी हम जिस तरीके से इस तरीके से वॉल में वगैरह स्टोरेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बीट फॉर अ ड्रेसर और जो भी आपको स्टोरेज करना है, मेडिसिन कैबिनेट्स एंड ऑल यू हैव सीन इन आवर अर्लियर प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हम एक मार्बल पार्टीशन खड़ी करते हैं और उसको हम फिनिश करते हैं. तो एक वॉल के कंपैरिजन में एक 3 इंच की जगह ले लेता है, फिर भी आपको 3-4 इंच की जगह उसमें मिल जाती है. नाउ इन दिस केस वी डन द सिमिलर थिंग, डन अ सिमिलर थिंग, मार्बल पार्टीशन विद टाइल्स. तो वॉशरूम की साइड से तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लुक्स लाइक नॉर्मल वॉल जैसी है वैसी ही है, बट यहाँ से वो 3-4 इंच बहुत क्रूशियल थे जिसकी वजह से ये डिश वॉशर अभी ज़्यादा प्रोट्रूड नहीं हो रहा है. एक 1.25 इंच का प्रोट्रूजन है बट इतना वो नज़र में नहीं आता है. एंड सेकेंड थिंग, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, इसके नीचे एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है, सो एक थोड़ा सा रेज्ड है. तो डिशवॉशर का जो भी आपका आउटलेट लगता है, जो भी प्लम्बिंग है, उसके लिए हमें थोड़ा सा उसको रेज करना पड़ा. तो वो भी अगेन क्योंकि वो जो नीचे का स्कर्टिंग है उसके साथ में ही है, लुक्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, तो आपको उतना देखकर यू वोंट अंडरस्टैंड कि उसको कुछ अलग किया है. सो डिशवॉशर यहाँ पे आ गया और अगेन सिंक के साइड में सारे जो आपके इनलेट आउटलेट के लाइंस यहीं पे होते हैं, तो मेकिंग लाइक कीपिंग इट हियर वॉज अ वाइज थिंग. ऑल्सो इट इज़ नेक्स्ट टू द सिंक, तो आपको जो भी बर्तन रखने आप इजीली रख सकते हो, निकाल के लगा सकते हो. तो नेक्स्ट टू द सिंक इज ऑलवेज अ बेटर लोकेशन फॉर अ डिशवॉशर. ये जो बीच की जगह है, इफ़ यू सी, ये जगह अभी खाली है और ओवन क्योंकि हम चाहते थे कि उसको, इसकी प्लेसमेंट हमेशा आई लेवल पे होनी चाहिए. एकदम आप ऊपर भी प्लेस करोगे तो आपने अंदर जो रखा है वो खाना आपको नहीं दिखेगा. इसके ऊपर की जो जगह है, अगेन ये भी बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द डिशवॉशर एंड द ओवन, इफ़ यू सी इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको यूज़ करने के लिए बहुत जगह मिलती है. एंड नाउ यहाँ पर ये जो सारे अप्लायंसेस है उसके बीच में मिक्सर नहीं है, तो जहाँ से हम एंटर करते हैं किचन में वहाँ पर मिक्सर के लिए हमने जगह बनाई है. सो विल सी दैट, फर्स्ट विल सी सिंक वाला जो एरिया है. तो यहाँ पर सिंक जो है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें हमने डिसाइड किया था कि हम ब्लैक ही लेंगे, ब्लैक कोला प्रोफाइल, ब्लैक फिटिंग्स और सब कुछ, ब्लैक अप्लायंसेस, तो उसके साथ भी डिसाइडेड कि काउंटर के साथ भी ब्लैक कलर का सिंक लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा. तो किसी ब्लैक कलर का सिंक है, क्वार्ट्ज का सिंक है और ये जो टैप है ये कैरोसिल का टैप है. सो इस तरीके से इसको एक्सटेंशन होता है, आप इस तरीके से बाहर निकाल के आप उसको यूज़ कर सकते हो. तो आपको क्लीन इस तरीके से करना है, कभी कभी काउंटर भी क्लीन करना है तो आप उसको यूज़ करो. दीज आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोर, एक काफ़ी पॉइंटेड है और इस तरीके से ऑफ. ये तो दिस इज़ नॉर्मल जो मूवमेंट उसमें होती है टैप में वो है. सो ये जो सेकंड टैप आप देख रहे हो ये वाटर प्योरीफायर का टैप है और यहाँ पर हमने वाटर प्योरीफायर नीचे लगाया है. सो वी सी दैट. और सो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि जो वाटर प्योरीफायर है हमने नीचे लगाया और एक साइड में डस्टबिन है. डस्टबिन अगेन हैफले का डस्टबिन है. सो इसके बीच में जो आपका वाटर प्योरीफायर है और जो डस्टबिन है उसके बीच में भी एडेड अ ग्लास पार्टीशन और यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर लगाया है क्लाइंट ने. सिंक का ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर हमने GTPT मतलब जो ग्लास ट्रे प्लेट रहे वो लगाया है. नाउ इसमें दो टाइप के ट्रे ड्रेनिंग यूनिट्स लगा सकते हो, एक जिसमें नीचे ट्रे होता है तो जो भी आप गीले बर्तन रखते हो उसका जो भी पानी है वो ड्रिप होके नीचे एक ट्रे में कलेक्ट होता है. जैसे इन दिस के देयर इज अ ट्रे ऐसे और जिसको बाद में आपको एम्प्टी करना है. और अदरवाइज़ कई बार ऐसे भी हम करते हैं कि इसके नीचे का जो बॉटम वाला प्लाई होता है तो यही हम, ये हम नहीं देते, तो उसके ऊपर आपकी जो भी जाली होती है ड्रेनिंग यूनिट की उसके ऊपर आप जो भी रखते हो तो डायरेक्टली आपका जो पानी है वो ड्रिप होके सिंक में गिरता है, तो आपको अगेन उसको खाली वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है. आपने उसको नीचे से ओपन रखा तो कई बार ऐसे होता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द ड्रेनिंग यूनिट इज़ मोर देन योर सिंक, तो पहली बात तो वो पानी कहीं पर भी काउंटर पर ड्रिप होता है, या तो सिंक के जो टैप है फॉसेट के ऊपर ड्रिप हो गए, उसमें जो वाटर स्पॉट्स होते हैं वो आते हैं. तो डिपेंड्स, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आपको कर सकते हैं. नाउ ये जो हिस्सा है, विल सी दिस पार्ट ऑफ द किचन. तो माता तो इत है. तो सो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं, इफ़ यू सी यहाँ तक जो काउंटर की डेप्थ है वो 21 इंचेस है और इसके बाद यू सी दिस प्रोजेक्शन के अंदर आया है. सो ये ऐसे क्यों है? ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक अ कॉलम बट इट इज़ नॉट अ कॉलम, इसके ऊपर स्विच बोर्ड से. तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके एग्जैक्टली पीछे वी प्लान्ड यूटिलिटी जिसमें वॉशिंग मशीन है नीचे, उसके ऊपर ड्रायर है, तो इसके पीछे दोनों एक है, ऊपर एक है. और जितनी सो एक्चुअली अगर आप प्लानिंग देखोगे इसका तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फ़िट की है, बट इस तरीके से फ़िट की है, कुछ जगह हमने यहाँ से ली है, कुछ जगह हमने पीछे से ली है. सो इसमें क्योंकि उसकी डेप्थ एग्जैक्टली बैठनी चाहिए, इसके लिए ये हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ा. बट क्योंकि ये सेकेंडरी काउंटर है, मेन काउंटर वो है और इतनी जगह मिल रही, तो इसके बाद ये थोड़ी जगह अगर कम भी मिल जाएगी तो प्लानिंग में इस तरीके से भी डिसाइडेड कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा. तो इसके लिए इसकी डेप्थ थोड़ी कम है. और इसकी साइड में ना ये जो रोलिंग शटर है इसके अंदर हमने एक्चुअली मिक्सर के लिए जगह बनाई है.
तो क्योंकि हम नहीं चाहते थे, जनरली हमेशा जैसे होता है कि मिक्सर बाहर काउंटर पे रहेगा तो आप यूज़ कन्वीनियंटली कर सकते हो, बट वो एक तो अगर आपको काउंटर क्लीन चाहिए, आप चाहते हो कि काउंटर पूरा क्लीन दिखे और उसके ऊपर कुछ भी ना हो, तो देन आपको वापस उसको अंदर रखना, बाहर निकालना इज़ लिटिल इनकन्वीनियंट। तो इसके लिए रोलिंग शटर दिया है, तो मिक्सर और मिक्सर के जो भी आपके अटैचमेंट्स वगैरह होते हैं एवरी थिंग कैन बी केप्ट इन साइड। और मिक्सर के ऊपर की अगेन जो जगह है वहाँ पर वी एडेड ग्लास शेल। और इसके एग्जैक्टली ऊपर अगर आप देखोगे तो डेड स्टोरेज है, लेफ्ट टू राइट कम्प्लीटली डेड स्टोरेज रखा है। और उसकी जो डेप्थ है तो जितना हमारा काउंटर है 21 इंचेस का, उसकी डेप्थ उतनी ही है, तो काउंटर के एग्जैक्टली लाइन में आप देख सकते हो उतना वो बाहर आया है। और ये जो स्टोरेज है, तो बहुत बार लोग पूछते हैं ये आप कितना लेते हो, तो जनरली ये हम 12 या 13 इंचेस का लेते हैं वॉल से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा रखोगे तो आप काम करते हो कि आपको लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा पीछे होना ज़रूरी है, तो 12 टू 13 इंचेस इज़ गुड। और एकदम ऊपर का आप चाहिए उतना दे सकते हो। तो ये हमने एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो लाइन है इसी लाइन में हमारा डिश वॉशर और अवन वगैरह का यूनिट है, तो उसी लेवल में फ्लश होता है और ऐसा नहीं लगता कि बहुत बाहर आया है। बट इफ़ यू सी द फ्रंट काउंटर, फ्रंट काउंटर के ऊपर का जो यूनिट है उसकी जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा नहीं है, उतनी बाहर नहीं है, वो हमने 12 इंचेस में ही फ्लश किया है। तो यहाँ का ओवरहेड यूनिट जो है उसकी जितनी डेप्थ है उतना ही हमने ऊपर का जो यूनिट है उसकी डेप्थ हमने उतनी रखी है, क्योंकि ये बाहर आने के बाद और अगर हम वो भी बाहर लेते थे और 12 इंचेस, तो बीच की जगह बहुत कम रहती थी, तो जो सीलिंग वाला एरिया जहाँ पे हमने लाइट्स और फैंस की प्लेसमेंट की है वो बहुत कम होता था और जगह और छोटी लगती थी। तो इसके लिए भी डिसाइडेड कि फ्रंट काउंटर के लिए हम दोनों जो यूनिट्स है फ्लश्ड ही रखेंगे 12 इंचेस पर, और ये वाला जो है ये हम बाहर लेंगे। बट उतनी जगह पीछे लेने के बाद भी आई थिंक यू हैव सफिशिएंट स्टोरेज, काफ़ी इनफ स्टोरेज है इतनी जगह में। नाउ दैट वी हैव सीन एवरीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट द फ्रिज। एक टिप है फ्रिज की जो रह गई है, तो जब भी आप साइड बाय साइड डोर वाला फ्रिज लेते हो तो उसमें क्या होता है, जो उसका बॉक्स होता है उसमें उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिसमें उसके सारे मेजरमेंट्स होते हैं, तो लेंथ ब्रेथ हाइट उस हिसाब से आप जगह छोड़ोगे। बट साइड बाय साइड वाला जो फ्रिज होता है उसकी डोर की अगर आप थिकनेस देखोगे डोर का, वो इतना है, डोर खोलने के बाद वो एक्चुअली उसके थोड़ा सा बाहर आता है, तो अगर आप कट टू कट जगह छोड़ोगे तो ये जो बाहर आता है, इन दिस केस ये छोटा है, बट कुछ जो फ्रिज है उसके मॉडल्स के केस में ये जगह दरवाज़ा और बाहर प्रोट्रूड होके इतना आता है। तो इसके लिए नेसेसरी है कि दोनों साइड में आप थोड़ी सी ब्रीदिंग के लिए जगह छोड़ो, और एकदम कट टू कट लोगे तो साइड का यूनिट जो है अगर इस लेवल में होगा तो दरवाज़ा आपका खुलेगा ही नहीं, तो इट्स नेसेसरी कि दोनों साइड में आप जगह छोड़ो। इन दिस केस यू विल सी ये जगह थोड़ी सी बड़ी है, तो और फिलहाल यहाँ पे जहाँ पे भी वो ट्रैवल करके आते हैं वहाँ से वो एक एक स्पेशल मैग्नेट लाते हैं, तो यहाँ पर अभी हमने मैग्नेट्स लगाए हैं। यस थिंक एक जो रोलिंग शटर के बारे में उसके प्लेसमेंट के बारे में एक चीज़ मुझे बतानी थी, यहाँ पर वी प्लेस द रोलिंग शटर, और रोलिंग शटर के एग्जैक्टली जो डेप्थ है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो क्रॉकरी की डेप्थ तो बहुत ज़्यादा लग रही है इस साइड से, बट क्रॉकरी यहाँ तक है और रोलिंग शटर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इफ़ यू सी द क्रॉकरी, क्रॉकरी में एक छोटा सा ये प्रोजेक्शन आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो क्रॉकरी यूनिट है उसकी डेप्थ इतनी नहीं है। यू सी दिस लिटिल प्रोजेक्शन, नाउ ये जो प्रोजेक्शन है ये रोलिंग शटर का प्रोजेक्शन है, और बिकॉज वी यूज द सेम लैमिनेट और उसके वजह से वो इतना नज़र में नहीं आता, तो वी हैड टू डू दिस बिकॉज वी वॉन्टेड टू इनकॉर्पोरेट स्पेस, डेडिकेटेड स्पेस फॉर द मिक्सर। तो इसके लिए ये थोड़े से माइनर चेंजेस हमने किए, बट बिकॉज प्लानिंग के वक्त हमने काफ़ी सारी चीज़ें तभी प्लान करके रखी थी, वी मेड श्योर कि हर एक चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस हो, घर हो, तो इसके लिए पहले से प्लान करके रखते हो, तो किचन आप इजीली कर सकते हो, और किचन डिज़ाइन ऐसा लगता है बहुत आसान है, बट किचन डिज़ाइन आई थिंक पूरे घर के डिज़ाइन में एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जिसमें सारी चीज़ें आपको पहले से सोचनी पड़ती है, आप जो फिनिश करने वाले हो, आप जो हैंडल लगाने वाले हो, गोला प्रोफाइल लगाओगे, कहाँ पर कौन से अप्लायंसेस होंगे, किसके कनेक्शंस कहाँ होंगे, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही देखनी पड़ती है। नाउ दैट वी हैव सीन बोथ द टिप्स, लेट्स टॉक अबाउट द एस्टिमेशन। और स्क्रीन पे आप एस्टिमेशन की शीट देख सकते हैं, कोटेशन देख सकते हैं। सो ये जो पूरा किचन है इसमें हमने हैफले के फिटिंग्स यूज़ किए हैं, और सारे डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं, एंड सो दिस कॉस्टेड अस अराउंड 6 लाख ऑफ रुपीज़। और अभी हैफले के जो रेट्स है रिवाइज हो चुके हैं ये किचन बनने के बाद, तो अगर अभी आप देखने चाहेंगे इतना स्कोप ऑफ वर्क अगर है तो ये जो रेट्स हैं वो वेरी होंगे। और अगर आपको सिमिलर किचन करना है बट आप चाहते हैं कि रेट्स इससे थोड़े कम हो, आपका बजट कम है, तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप थोड़े से चेंजेस करके आपका जो एस्टिमेट है कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बाहर का फिनिशिंग है, यहाँ पर हमने एंटी स्क्रैच ग्लास एक्रेलिक यूज़ किया था, उसके जगह पर आप सादा एक्रेलिक यूज़ करोगे आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा, उसके जगह पर आप लैमिनेट यूज़ करोगे कॉस्टिंग और कम हो जाएगा। और या सो सिमिलर चेंजेस, सिमिलर थिंग, जैसे यहाँ पर हमने गोला प्रोफाइल यूज़ किया है, उसके जगह पर आप नॉर्मल हैंडल लोगे तो उससे आपका कॉस्टिंग और कम हो सकता है।
सो या ये था एस्टिमेट, और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। काफी लेंथी वीडियो हो गया, बट सारी चीजें एक्सप्लेन करते करते वीडियो काफी लंबा हो जाता है, बट अगर अगेन हमने इसमें टाइम स्टैम्प डाले हैं तो आप जो भी आपको पोर्शन चाहिए वो आप देख सकते हैं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर हिस्सा इसमें से आपको बहुत अच्छा लगा हो, या कोई नई चीज़ आपने इस वीडियो से सीखी हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।